पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इन दिनों झालावाड़ जिले के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने आज झालरा पाटन का दौरा किया और अपने मतदाताओं और आम जनता से मुलाकात की। इस दौरान वसुंधरा राजे झालरा पाटन में एक अनोखी ही अंदाज में नजर आई और उन्होंने शहर में प्रवेश करते ही अपना काफिला छोड़ एक कार्यकर्ता के साथ स्कूटी पर सवार होकर शहर के गली मोहल्ले में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नमस्कार, मैं हूँ शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। इस दौरान उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ भाजपा नेता भी राज्य के साथ साथ झालरा पाटन की सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आए। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार वसुंधरा राजे अपने गृह क्षेत्र झालावाड़ जिले के दौरे पर पहुंची है। इस दौरान उन्हें झालरा पाटन की कई समस्याओं को लेकर फीडबैक मिला था। ऐसे में राज्य खुद जमीनी स्तर पर जाकर समस्याओं को देखना चाहती थी। इसी कड़ी में उन्होंने कल शाम झालावाड़ शहर के बाजारों में घूमकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तो वही आज झालरा पाटन में स्कूटी पर सवार होकर शहर के गली मोहल्ले में पहुंचकर आम जनता से फीडबैक लिया और व्यवस्था में सुधार के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों और नगर पालिका अध्यक्ष को निर्देश दिए। इस दौरान वसुंधरा राजे के साथ कई भाजपा पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता भी स्कूटी के साथ साथ झालरा पाटन की सड़कों पर दौड़ लगाते नजर आए। वसुंधरा राजे ने इस दौरान झालरा पाटन के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में भी दर्शन किए और शहर की अग्रसेना वाटिका में भाजपा के बूथ अध्यक्ष की एक बैठक भी ली। इस दौरान उनके साथ आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा, पूर्व विधायक निर्मल सहित कई भाजपा नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।